सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा है, जो कि पूरे देश में चल रहे पीएम पानीकर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्ष 2022 तक 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन मिशन के बीच रीडिंग एंड डिजिटल रीडिंग पहुंचाया जा सके। तो आज की कहानी मैं श्रेया कुमारी, कक्षा द्वितीय श्रेणी की छात्रा, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शेर और तीन बैल। एक बार की बात है, तीन बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ मिलकर घास चरने जाते और बिना किसी राग द्वेष के हर चीज़ आपस में बांटते थे। एक शेर काफ़ी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था, लेकिन वह जानता था कि जब तक वह तीनों एकजुट है, तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर ने उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने की चाल चली। शेर ने बैलों के बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। अफवाहें सुन सुन कर उन तीनों के बीच गलत फहमी पैदा हो गई। धीरे धीरे वे एक दूसरे से जलने लगे। आखिरकार एक दिन उनमें झगड़ा हो गया और वे अलग अलग रहने लगे। शेर के लिए यह बहुत अच्छा अवसर था। शेर ने इसका पूरा लाभ उठाया और एक एक करके तीनों को मार डाला और खा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही शक्ति होती है। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे अपील करता है कि आप भी एक कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 दोस्तों और परिजनों को भेजें और उन्हें भी कहें एक कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 दोस्तों और परिजनों को भेजें। तो आइए इस रीड एंड ग्रो मैसेज को फैलाएं। अगले संडे हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद।